जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में सबसे कम मेरिट रहने वाले स्टेट से क्या आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे के बच्चों के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था एसएससी जीडी की पिछली मेरिट यानी 2018 की जो मेरिट रही थी उसके बारे में, कि कौन से स्टेट की सबसे कम मेरिट जाती है, क्या उनका रीज़न है। साथ ही एक चीज़ और बताई थी, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं क्या सर अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या हम उनकी मेरिट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, हमको क्या फाइट करना पड़ता है। कि जैसे अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे तमिलनाडु हो गए या आंध्र प्रदेश हो गए, यहाँ की जो मेरिट रहती है 42, 43, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ की मेरिट 33 नंबर पे भी रहती है, 33, 34, 35 या 40 के आसपास बहुत सारे स्टेट है, कम से कम 8 से 10 स्टेट है, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन स्टेट की मेरिट ज़्यादा 42, 43, तेलंगाना तो इतनी ही रहती है। और भी कई ऐसे स्टेट हैं जैसे नागालैंड हो गया, दादर नगर हवेली हो गई, इन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनकी मेरिट कम रहती है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अदर स्टेट का जो अप्लाई का जो रूल है वो क्या है, और अगर हम इनमें अप्लाई करते हैं तो क्या हमको इतने ही नंबर लाने हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। एक साथ में एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर हमको जो हम एजुकेशन हमारी कोई और स्टेट से हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट कोई और स्टेट का है, कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास में सेंटर का है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम किसी और स्टेट में रह रहे हैं वहाँ का है, तो हम क्या करें, कहाँ से फार्म भरें। तो पहले मैं उनको बता दूं दोस्तों, आपके पास में जहाँ का डोमिसाइल है वो आपका गृह स्टेट माना जाएगा, चाहे आपकी एजुकेशन हिंदुस्तान में कहीं से भी हो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना, फार्म भर देना, सेंटर का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनेगा, डोमिसाइल जहाँ का है वो स्टेट आपका गृह स्टेट कहलाएगा और उसी से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे कम मेरिट वाले जो राज्य होते हैं उनमें आप अप्लाई करोगे तो क्या क्या नियम लगेंगे, और आपको कितनी मेरिट फाइट करनी पड़ेगी, उसका क्या नियम होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। बहुत सारे बच्चों के उस स्टेट की मेरिट के अंदर नंबर भी आ जाते हैं, बहुत सारे स्टेट जो बच्चे होते हैं उनका नंबर भी नहीं आता, उसका रीज़न क्या है। साथ ही एक चीज़ मैं और बता दूँ दोस्तों कि जो परीक्षा ऐप है उस पर एसएससी जीडी की शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही जिन बच्चों ऑनलाइन टेस्ट करके अगर अपने आप को जानना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। वहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे कमांडो 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, ये सिर्फ मैं आपके लिए करवाया। तो परीक्षा ऐप पर एसएससी जीडी की आप जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, साथ ही 22 और 23 मार्च को बहुत ही अच्छा मेगा टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट, वो भी आप दे सकते हो परीक्षा ऐप पर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि जो अदर स्टेट से अप्लाई करने का उसका रूल क्या होता है, दोस्तों आप अदर स्टेट से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसका एक फिक्स क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या क्या होता है, एक तो सबसे पहले कि आपको वहाँ पर जनरली फाइट करनी पड़ेगी, आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का आपका आयु में आरक्षण की छूट नहीं मिलेगी, ना ही मेरिट में मिलेगी, चाहे आप OBC से हो चाहे कोई भी कैटेगरी को। आप वहाँ पर अगर अदर स्टेट से करते हो तो किसके हो जाते हो, जनरल कैटेगरी में ही आपको फाइट करना पड़ेगा। एक चीज, दो बातें ये हो गई कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना। तीसरी बात क्या होती है, हर एक स्टेट से अदर स्टेट के लिए फिक्स एक कोटा होता है, वो आपको पहले पता करना है। जैसे गुजरात से 5% होता है अदर स्टेट के लिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिनसे 3% भी होता है, किसी स्टेट से राजस्थान से अदर स्टेट के लिए 5% का कोटा है, मध्य प्रदेश ने अभी अदर स्टेट के लिए कोटा बंद ही कर दिया बिल्कुल ही। तो ये चीज़ें आपको पहले पता करनी है अदर स्टेट से अप्लाई करने के वक्त। अगर आप मान लो आप बोलोगे सर अगर हमने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो दोस्तों अगर आपका अदर स्टेट से अप्लाई नहीं होगा तो आपको खुद की स्टेट की मेरिट में फाइट करना पड़ेगा, तभी आपका नंबर आएगा, ठीक है। अगर मान लो आप किसी स्टेट से अप्लाई करते तो उस स्टेट का अदर स्टेट के लिए कोटा नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अपने स्टेट की मेरिट फाइट करनी पड़ेगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अदर स्टेट का बिल्कुल ऑप्शन आता है। अब बोलेंगे बच्चे कि सर हमको पता कैसे चला कि कौन सी स्टेट कितना परसेंट दे रहा है, तो दोस्तों हर एक स्टेट के बारे में आप पता करोगे, ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि अदर स्टेट के लिए कौन सा स्टेट कितनी वैकेंसी देता है। जो उसकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में जितना परसेंट देता है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में ही अदर स्टेट के लिए वो वैकेंसी देता है। अब इसकी जो मेरिट बनती है, क्वेश्चन आता है कि मेरिट कैसे बनती है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको छोटी सी बात दूं, अगर मान लो गुजरात की मेरिट गई है 52, अब राजस्थान के जो बच्चे हैं जिन्होंने गुजरात से अप्लाई किया था उन बच्चों के नंबर आ गए मान लो किसी के 52 आ गए, किसी के 55 आ गए, ठीक है। तो जिसके 55 आ गए वो 52 तो फाइट कर रहा है, तो हुआ क्या कि जो कुछ बच्चे की जैसे मान लो 65 नंबर आ रखे हैं, तो 65 वालों का नंबर आ गया और जिनके 62 या 60 नंबर आ रखे हैं उनका नंबर आया नहीं आया, ऐसा हुआ है पिछले 2018 की वैकेंसी में। वो कैसे हुआ, उनको इसकी पता नहीं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों 50 मान लो 50 मेरिट गई है गुजरात की, और जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनने किसी के नंबर आ रखे हैं 65, यानी कुछ ऐसे बच्चे जिनके 65 या 65 से अबाव भी आ रखे हैं उनका नंबर आ गया, और कुछ ऐसे बच्चे जिनके 60 नंबर आ रखे हैं उनका नंबर नहीं आया, तो उनका नंबर क्यों नहीं आया। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे अदर स्टेट की, ये मतलब नहीं है कि आपको अदर स्टेट की मेरिट फाइट करनी है, नहीं, अदर स्टेट की मेरिट फाइट नहीं करनी, अदर स्टेट में
जो दूसरे स्टेटों के लिए जो कोटे की 5% जो सीटें होती है या 3% जो सीटें होती है, आपका कंपटीशन सिर्फ उनमें होता है। तो उन बच्चों का जो 65 वाले का नंबर आ गया, और 60 वाले का नंबर क्यों नहीं आया, अब मान लो गुजरात में पोस्ट थी 10,000, ठीक है, तो 5% अगर मान लो उसका 50 सीटें अदर के लिए, अदर स्टेट के लिए, तो जो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनका कंपटीशन केवल किन पे मेरिट छूटेगी उनकी, केवल इन 50 सीट पे, ना कि पूरे गुजरात की सीटों पे। भले ही वो सीटें खाली रह जाए लेकिन इनको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि एक फिक्स आरक्षित आंकड़ा होता है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, यानी एक फिक्स आरक्षित आंकड़ा होता है। आपको मैं उदाहरण के लिए बता दूँ, जैसे गुजरात में भी बहुत सारी सीटें खाली रही, आपको भी आंकड़े में पता होगा 49,120 के समथिंग टोटल पोस्ट थी SSGD में, जबकि 46,000 कुछ पोस्टें ही फिलअप की गई। क्यों भाई 49 थी, क्यों नहीं की गई? क्योंकि जो फिक्स कैटेगरी होती है, जैसे SC ST जो ST की कैटेगरी होती है, या नक्सल की जो कैटेगरी होती है, या जन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की जो कैटेगरी होती है, तो दोस्तों जो आरक्षित सीटें होती हैं ना, वो भले ही खाली रह जाएगी लेकिन दूसरे को नहीं दी जाती। तो इसी प्रकार अदर स्टेट से जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर पूरे स्टेट की मेरिट में आपका कोई हकदार नहीं बनता है। ये नहीं कि आपकी पूरी स्टेट की मेरिट, जैसे अब मान लो एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, जैसे चेन्नई कर्नाटक है, उसकी मेरिट गई 42, अगर राजस्थान वाले पूरे कर्नाटक से अप्लाई कर देंगे तो राजस्थान के तो निम्न छोटे से छोटा बच्चा ही 70+ स्कोर करता है, यूपी का तो छोटा से छोटा बच्चा जो मतलब पहली बार कंपटीशन में आता है उसके भी 70+ नंबर रहते हैं, तो फिर उस स्टेट की तो पूरी सीटें ये लेके चले जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? तो ऐसे नहीं होता। तो होता क्या कि हर एक स्टेट का अदर स्टेट के लिए, यानी जैसे अभी जैसे राजस्थान पुलिस में SI की वैकेंसी आ रखी है, आपको एक उदाहरण के लिए तो बताऊं, राजस्थान पुलिस में SI की वैकेंसी आ रखी है, तो उसमें अदर स्टेट के लिए 5% कोटा है, टीचर के लिए भी अदर स्टेट के लिए, यानी कोई सा भी स्टेट हो, 29 स्टेट है, कोई सा भी स्टेट हो उसमें अप्लाई कर सकता है बिल्कुल, और उसमें 5% जो सीटें आरक्षित है उनमें से कोई भी सीट वो ले सकता है, लेकिन जो बाकी की सीटें हैं उनमें उस कंपटीशन में उनका कोई हकदान नहीं होता। तो ये होता अदर स्टेट से, ठीक है। तो आप अदर स्टेट से अप्लाई करो जब भी SSGD की वैकेंसी में, तो पहले वो देख लीजिए उस स्टेट से अदर स्टेट के लिए क्या रूल चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, या आपको गूगल पर आसानी से सर्च करने से मिल जाएगा कि गुजरात का जैसे अदर स्टेट के लिए कितना परसेंट कोटा है, MP का अदर स्टेट के लिए कितना परसेंट कोटा है, UP का अदर स्टेट के लिए कितना परसेंट कोटा है, वो पता करिए, उसके बाद में अप्लाई करिए। लेकिन जो पहली शर्त है वो 18 से 23 साल, आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल जनरल फाइट करनी पड़ेगी, कहीं पे भी आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके सर्टिफिकेट सारे के सारे चाहिएंगे, ये नहीं कि आपको वो डोमिसाइल नहीं चाहिए या सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो सब चाहिएंगे, लेकिन आपको उनका आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये बात का विशेष ध्यान रखिए। और ये भी नहीं होगा कि आप उसी स्टेट से नौकरी लगोगे, नहीं, आपका जो घर स्टेट है उसी से नौकरी लगोगे, केवल उसकी मेरिट के आधार पर लगोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने गुजरात से अप्लाई किया था अदर स्टेट से और आपका नंबर आ गया तो आप गुजरात के रहने वाले होगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको राजस्थान से हो तो राजस्थान से ही माना जाएगा, और आप मान लो यूपी से तो यूपी से ही माना जाएगा, वो केवल आप दूसरे स्टेट की मेरिट फाइट की हो वहाँ पर एग्जाम देके। तो दोस्तों कई बार इसमें फ़ायदा भी हो जाता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो आप अपने स्टेट की मेरिट में काउंट कर दी जाती है, यानी जो स्टेट आपकी स्टेट की मेरिट रहती है उसको फिर हिट करना आपको रहता है, अगर आप मान लो उस स्टेट में कम्पीट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जब अदर स्टेट जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि इस स्टेट से इतनी सीटें हैं अदर स्टेट के लिए, तो आपको अच्छे से बता दूंगा, फिर आप वो सुनना, वीडियो अच्छे से देखना, और उसके बाद में अप्लाई करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।